पास्ट में कैसे ट्रेवल कर सकते हो? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेज निकल चुकी है उसके पहले तुम वहां पहुंच जाओ, ऐसा क्या कर लो, देख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वार्म होल्स का। किसका होता है? वार्म होल्स का। वार्म होल्स मतलब क्या? जैसे अपने आस पास हो सकती है, ऐसी दुनिया चल रही है, अपने आस पास हो सकता है एक दूसरे डायमेंशन में एलियन रह रहा हो, हमारे बगल में ही हो सकता है वो। ये जो आप बैठे तुम लोग चेयर पे, हो सकता है इसी बगल वाले चेयर पे एक दूसरे डायमेंशन में अलग दुनिया चल रही है। हम लोग किस डायमेंशन में है? वैसे कितने डायमेंशन नेचर में? 10 डायमेंशन। हम लोग किस डायमेंशन में है? 3 डायमेंशन स्पेस का है और 1 डायमेंशन टाइम का है। तो हम लोग रहते हैं स्पेस और टाइम में। हम लोग जो घिरे हुए किससे घिरे हुए हैं? स्पेस और टाइम में। तो अगर स्पेस और टाइम में कोई भी छिड़खानी होगी तो डायरेक्ट किस पर असर पड़ेगा? हम लोगों पे। किस पे? हम लोग पे। तो वैसे बता, जब हम लोग यहाँ से अर्थ से कहाँ चले गए? दूसरे प्लेनेट पे। तो यहाँ के स्पेस और टाइम क्या होगा? अलग होगा। इसीलिए वहां पे समय कैसा बीतेगा? अलग बीतेगा। लेकिन हम लोग लिए कैसा बीतता है? जो बीतते आ रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, वार्म होल्स। तो वार्म होल क्या होता है? एक छोटे छोटे, देखो तुमको, तुम लोग जब पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन, तो क्या बताया? कोई भी चीज चिकनी नहीं होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर चीज के अंदर क्या होता है? रफनेस होता है। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक रफनेस। तो स्पेस में जो तुमको ये दिख रहा है खाली जगह, इसके अंदर भी दरार है, इसके अंदर भी क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्पेस तुमको लग रहा है खाली खाली है, खाली नहीं, एक्चुअली हवा दिख रहा है, हवा दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है। क्यों? मॉलिक्यूलर लेवल से अलग होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुमको क्या दिखेगा? उसके अंदर वार्म होल्स दिखते हैं। तो वार्म होल क्या होता है? एक ऐसा ये जरिया होता है जो तुमको एक जैसे कहां पहुंचा सकता है, और ये तुम्हारा रास्ता खोलता है किसके बीच में? 3 डायमेंशन में, और यानी कि तुमको स्पेस में भी ट्रेवल करा सकता है और साथ में टाइम में भी। यानी कि समझो ऐसे होता है, तुमको सर बताया था क्या करिए? रूपायन के फायदा से बता रहा हूँ। इस मान लीजिए तुम्हारा क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है रूपायन, इधर देखो क्या है तुम्हारा। यहाँ मतलब एक याद कर दिए, देखो एक ये होल हो गया और यहाँ क्या हो गया? ये होल हो गया। एक्चुअली मान लो तुम्हारा ये स्पेस है, क्या है ये तुम्हारा स्पेस और टाइम है। ये तुम्हारा क्या है? इसमें हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग स्पेस में, और ये वही स्पेस टाइम है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं हमेशा से, ठीक। या हम लोग महसूस कर रहे हैं हजारों साल से, जो इंसान महसूस कर रहा है। अब होता क्या है, वो हमने एक छोटा सा क्या है, छेद है, हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम छेद को क्या कर दें, उसको, उस होल को हम लोग क्या कर दें, किससे कर दें बड़ा? टेक्नोलॉजी से, एनर्जी लगा के। जब ये बड़ा होगा तो इसको हम बेंड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो तुम्हारा वार्म होल था, इसने रास्ता खोल दिया किस पॉइंट के बीच में? हम लोग जब यहाँ सीधे चलते हैं तो टाइम लगता नहीं लगता? जब हम लोग यहाँ से यहाँ चलते टाइम लगता? बता रहे, ये एक चद्दर है, समझ लो। स्पेस टाइम में क्या है? चद्दर होती है। चद्दर मतलब एक कपड़ा है, समझो। जैसे हम लोग वार्म होल खोल दिए, तो वार्म होल इसको क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। यानी कि अगर एक बार हम लोग यहाँ एंटर करेंगे तो हम कहाँ निकल जाएंगे? दूसरे फेज में, और दूसरी दुनिया नहीं होगी। ध्यान दो, पहले दो चीज़ हो सकता है, या तो स्पेस में भी तुमको मूव करा दे, और साथ में हो सकता है तुम यहाँ पर घुसी निकल जाएगी बॉम्बे या बर्मिंघम यूके में, इंग्लैंड में। यहाँ पर मान लो वो सब मूवी रियलिटी में सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या खोल दिए, वार्मोल, वार्मोल में आप घुसो, तो वार्मोल अगर मान लो कोई यहाँ पे जादू सर खोल दिया होती एनर्जी लगा के, हो सकता है इसकी उधर तुमको दुनिया दिखेगी। अभी क्या दिख रहा है? इसके बगल में क्या है? चेयर है। अरे आप वार्मोल खोल दें तो उसकी तरफ क्या दिखेगा? दूसरी दुनिया दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो अलग डायमेंशन है, वहां देख क्या चाहिए उसके लिए? ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? या तो उसको तुम साइज को बड़ा कर दो, या तो तुम ही उसके साइज में क्या हो जाओ, छोटे हो जाओ। उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? क्वांटम। यानी कि खुद को क्या कर दो, खुद को इतना छोटा कर दो किसके अंदर घुस जाओ, वार्म होल के अंदर घुसेंगे तो एक दुनिया से कहां से जाएंगे? हो सकता है यहाँ पे 2022 में हो, और टाइम में तुम ट्रेवल कर गए 2022 में, हो चले गए 1947 में आजादी के साथ। क्यों? कि वार्म होल तुमको स्पेस में भी ट्रेवल करा सकता हो, साथ में टाइम में भी। स्पेस में कैसे कराएगा? यहाँ पे हो, पता चले हम लोग कहाँ पे हैं, एक यहाँ पे रास्ता खोले, हम लोग सीधे जा कहाँ खुल रहा है, वैसे प्लेनेट पे जहाँ पे क्या है, अपने से कितने दूर है, हजारों लाखों लाइट ईयर दूर। तो यहाँ पे हम लोग वार्म होल खोल सकते हैं, हजारों लाखों लाइट ईयर दूर दूसरे प्लेनेट पे क्या कर सकते हैं? लैंड कर सकते हैं। बस एक सेकंड के अंदर यहाँ कदम वहां रखेंगे, सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। वार्म होल जैसे खोले उधर से भी खोल तो आ जाओगे। या तो देखो समय में अगर क्या होगा, मान लो यहाँ पे 2022 में क्या खोले यहाँ पे, वहां पे लोग कदम रखे उस तरफ गए तो हो सकता है किसमें चले गए, 1947 में, पता चले तुम चले गए बाबा आदम के जमाने में। क्या चीज? अब उसमें बहुत चीजें होती हैं, उसमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता है, उसमें मंडेला इफेक्ट होता है, दुनिया की चीज होती है, बाद में बताएंगे।